अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सबिया जावेद। तो आज मैं आपको होममेड ऑनियन हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी कि आप किस तरीके से ऑनियन हेयर ऑयल बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में काफी सारे ऑनियन हेयर ऑयल अवेलेबल हैं, ज्यादा ट्रेंड में भी हैं, हर कोई इसकी तरफ खींचा जा रहा है। इतना ज्यादा ट्रेंडिंग होने की वजह से इसे मोस्टली यूज भी कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको घर पर किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। घर पर जिस तरीके से ऑनियन हेयर ऑयल बनाकर दिखाया जा रहा है, उसमें स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और उसको लगाने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। इसी वजह से इसको लोग मार्केट से ही बाय करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती है। आज मैं आपको ऐसा ऑनियन हेयर ऑयल घर पर बनाना बताऊंगी जिसमें कि आपको ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी और आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इसको यूज़ किस तरीके से और कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से रेमेडी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 बड़े प्याज। इसको आप छीलकर अच्छी तरीके से बारीक काट लीजिए। इसको बारीक काटने के बाद आप इसको धूप में सुखा दीजिए। जब ये आपकी प्याज बहुत ड्राई हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, है वो बारीक पीस लें। उसके बाद आपका इसको जो पाउडर है उससे आपका ऑयल, ये हेयर ऑयल तैयार होगा। 3 से 4 चम्मच ऑनियन पाउडर आपको लेना है। आपको इसे कांच की बॉटल में डाल लेना है। इसके लिए आपको 200 ml कोकोनट ऑयल लेना है। आप चाहे तो 250 ml भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर तैयार करेंगे तो आपका ये बहुत ही सस्ते में बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। प्याज में कैटलेस एंजाइम होता है जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, साथ ही हमारे बालों को काला बनाता है, हमारे बालों को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है। यह हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, जिससे हमारी ग्रोथ में इजाफा होता है, साथ ही हमारी लेंथ भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, तो हमारे बालों की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट करता है, हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर करती है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ झड़ कर पतले हो गए हैं, उनको ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट देती है। इसको ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 हफ्ते के लिए धूप में रख देंगे। धूप आपकी तेज़ होनी चाहिए, धूप में आप इसको रख दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप इसको छान लीजिए। इसके अलावा अगर आप धूप नहीं है तो उसका भी मैं दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगी। हमारे बालों की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट करती है, हमारे बालों को झड़ना रोकती है, साथ ही हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर करती है, हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ झड़ कर पतले हो गए हैं, उनके बालों को ये काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट देती है। इसके बाद आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल या तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड कर लीजिए। स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल की 5 से 6 ड्रॉप ऐड कर लेनी है। और अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके बाल तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं, तो आपको इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करनी। आप चाहे तो एसेंशियल ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी अगर धूप में नहीं तैयार हो पा रहा है तो आप इसको किस तरीके से तैयार करेंगे। तो आपको इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपको इसे डबल बॉइलिंग की हेल्प से तैयार करना है। डायरेक्ट फ्लेम पे पकाने से इसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हमें इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। पूरी रात आपको इसे रखने के बाद आपको इसको डबल बॉइलिंग में इसको रख देना है। 1 घंटे के लिए आपको इसको डबल बॉइलिंग पर रख दीजिए। उसके बाद में आप इसको निकाल के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसको 3 से 4 दिन तक डेली डबल बॉइलिंग भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको इसे या तो रात में आपको इसको लगाना है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको रात में नहीं लगाएं, तो आपको हेयर वॉश से कम 2 घंटे पहले इसको अपने बालों में अच्छी तरीके से, बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से मसाज कर लेनी है। इसका रिजल्ट इन्हेंस करने के लिए आपको अपने हेयर को स्टीम देना है। आप चाहे तो गर्म पानी में टॉवल भिगो कर भी अपने बालों पर लपेट सकती हैं। स्टीम की हेल्प से ही आपके पोर्स में इजीली चला जाएगा और अपना वर्क अच्छी तरीके से करना शुरू कर देगा। इसकी स्मेल भी ज्यादा कोई हार्श नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।